दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड बेहद ही अनोखा एवं विशाल है, जो कई तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। और हम समय के साथ दूसरे आकाशगंगाओं, सोलर सिस्टम और ग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा रहे हैं। वैज्ञानिकों को दूसरे सोलर सिस्टम और ग्रहों के खोज के दौरान कुछ ऐसे एक्सोप्लैनेट्स का पता चला है जो कि बेहद ही अनोखे एवं अजीबोगरीब हैं, जिनमें एक ऐसा ग्रह है जो कि पूरी तरह हीरे का बना हुआ है, जबकि दूसरे ग्रह पर ग्लास की बारिश होती है, तथा कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जहां लावा के महासागर पाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और स्वागत है आपका रहस्य टीवी के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे अद्भुत एवं अनोखे ग्रहों के बारे में। पहला है द लावा प्लैनेट। द लावा प्लैनेट के नाम से जाने जाने वाला यह ग्रह दरअसल एक एक्सोप्लैनेट है, जिसका मूल नाम CORT 7b है। यह ग्रह हमारे सौरमंडल से 489 यानी कि 489 लाइट ईयर्स की दूरी पर मोनोसेरोस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इसकी खोज फरवरी 2009 में की गई थी तथा यह अब तक के खोजे गए सबसे छोटे एक्सोप्लैनेट्स में से एक है। माना जाता है कि यह एक्सोप्लैनेट्स पहले एक गैस जाइंट था, पर अपने तारे के बेहद ही नजदीक होने के कारण इसका सारा गैस जलकर नष्ट हो गया तथा अब इस ग्रह का चट्टानी क्रस्ट ही बचा हुआ है। एक बात जो इस ग्रह को बेहद ही खास और अनोखी बनाती है वह यह है कि यह ग्रह अपने तारे से टाइडली लॉक्ड है, जिसका मतलब यह हुआ कि इसका एक हिस्सा हमेशा अपने तारे के सामने रहता है, जिसके कारण इस हिस्से का तापमान 2200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तथा यहाँ लावा के महासागर पाए जाते हैं, जबकि इसके दूसरे हिस्से का तापमान माइनस में चला जाता है। पहले हिस्से में लावा पानी की तरह बहता है, जिसके कारण इस ग्रह पर तरल लावा के बादल बनते हैं, जो कि ठंडे हिस्से में जाने से पहले ही कठोर हो जाते हैं। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस ग्रह पर चट्टानों की बारिश होती है। दूसरा है रेन्स ऑफ मोल्टन ग्लास। दोस्तों, भले ही आपको यह सुनकर अजीब लगे, पर हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा भी एक्सोप्लैनेट मौजूद है जहां ग्लास यानी कि कांच की वर्षा होती है। इस प्लैनेट का नाम HD 189733b है, जो कि हमारे सौरमंडल से करीब 63 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। इस ग्रह का वायुमंडल सिलिका पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। यह ग्रह किसी नर्क की तरह है, जहां 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलती हैं तथा इस ग्रह पर ग्लास की बारिश होती है। यह एक्सोप्लैनेट एक गैस जाइंट है जो जुपिटर से थोड़ा ही बड़ा है। यह अपने तारे का चक्कर बेहद ही पास से लगाता है, जिसके कारण इसके सतह का तापमान कभी कभी 3000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को इस ग्रह के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। रिसर्च में पता चला कि अपने तारे के बेहद ही पास होने के कारण इसका सरफेस बेहद ही तेज गति से वेपराइज होता जा रहा है और आने वाले समय में इसका चट्टानी क्रस्ट सरफेस ही बचेगा तथा इसका सारा गैस अंतरिक्ष में जलकर नष्ट हो जाएगा। तीसरा है द डायमंड प्लैनेट। दोस्तों, डायमंड यानी कि हीरा हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अमूल्य धातुओं में से एक है। पर अगर मैं आपको कहूं कि हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा भी ग्रह है जो पूरी तरह से हीरे का बना हुआ है, तो आप शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। पर वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह ढूंढ निकाला है जो पूरी तरह डायमंड का बना हुआ है। इस ग्रह का नाम PSR J1719-1438b है, जो हमारे सौरमंडल से 4000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। यह ग्रह एक कार्बन रिच ग्रह है जो कभी अपने तारे का हिस्सा हुआ करता था, पर कुछ कारणवश यह अपने तारे से अलग हो गया। इसका मास भले ही जुपिटर के समान है, पर यह साइज में जुपिटर से लगभग आधा ही है। बेहद ही कंप्रेस्ड और कार्बन रिच होने के कारण यह ग्रह एक डायमंड प्लैनेट में तब्दील हो गया। एक और बात जो इस ग्रह को बेहद खास बनाती है वह यह है कि यह ग्रह अपने तारे से भी बड़ा है। अगला है लॉर्ड ऑफ रिंग्स। J1407b हमारे सौरमंडल से 420 लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक ग्रह है जो अपने विचित्र एवं विशाल छल्लों के लिए जाना जाता है। यह ग्रह बेहद ही विशाल है, जिसके कुल 37 अलग अलग छल्ले मौजूद हैं, जिनका आकार शनि ग्रह के छल्लों से 200 गुना ज्यादा बड़ा है। इस ग्रह के रिंग्स लगभग 120 मिलियन किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह ग्रह इतना विशाल है कि यह अपने तारे के सामने से गुजरते समय उसका 95% लाइट ब्लॉक कर देता है, जो कि अब तक खोजे गए सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। इस विचित्र ग्रह की खोज 2012 में एरिक मामाजेक द्वारा की गई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले भविष्य में इस ग्रह के छल्ले इसके विशाल मून्स का शेप ले लेंगे, जिस तरह हमारे शनि ग्रह के विशाल उपग्रह मौजूद हैं। अगला है द वाटर वर्ल्ड प्लैनेट। दोस्तों, पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्वों में से एक है तथा वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों की खोज कर रहे हैं जहां पानी तरल अवस्था में हो, ताकि वहां मानव बस्तियां बसाई जा सकें।
पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह ढूंढ निकाला है जो कि पूरी तरह पानी के महासागरों से भरा पड़ा है तथा यहाँ कोई ठोस जमीन ही मौजूद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रह का नाम है GJ1214b, जो कि हमारे सौरमंडल से 42 यानी कि 42 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। यह ग्रह हमारे ग्रह से साइज में 3 गुना तथा मास में 7 गुना है। यह ग्रह मुख्य रूप से महासागरों से मिलकर बना हुआ है जो कि 1600 किलोमीटर की गहराई तक फैले हुए हैं। यह अपने तारे का एक चक्कर मात्र 38 घंटों में पूरा कर लेता है तथा इस ग्रह का तापमान 230 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस ग्रह ने वैज्ञानिकों को हैरत में डाला हुआ है, न जाने इसके विशाल महासागरों में कितने राज दफन हो। अगला है द लोनलीस्ट प्लैनेट। यह ग्रह अब तक के खोजे गए सबसे विशाल सौरमंडल का ग्रह है। इस ग्रह का नाम Z मास J2126 है, जो कि अपने तारे से 1 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अर्थात आप इस ग्रह को हमारे ब्रह्मांड का सबसे अकेला ग्रह भी कह सकते हैं, जिसके अरबों किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी अन्य स्ट्रक्चर या प्लैनेट मौजूद नहीं है। यह ग्रह अपने तारे TYC9486-9271 का चक्कर लगाता है, जो कि हमारे सौरमंडल से लगभग 104 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। शुरुआत में माना जाता था कि यह एक भटका हुआ ग्रह है जो कि इस अनंत ब्रह्मांड में अकेला है, पर खोज में पाया गया कि यह अकेला नहीं है तथा यह अपने तारे का चक्कर लगाता है पर एक बेहद ही विशाल ऑर्बिट में। यह ग्रह जुपिटर से लगभग 15 गुना बड़ा है तथा इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में 1 मिलियन सालों का समय लग जाता है। इस ग्रह तथा इसके तारों की दूरी सूर्य तथा प्लूटो की दूरी का 140 गुना है। अगला है द डार्केस्ट प्लैनेट। TRESS-2b को अब तक का खोजा गया सबसे डार्केस्ट प्लैनेट माना जाता है, जो कि हमारे सौरमंडल से करीब 750 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। यह ग्रह पृथ्वी पर पाए जाने वाले कोयले तथा चारकोल से भी काला है। इस ग्रह का वातावरण वेपोराइज्ड सोडियम, पोटेशियम एवं टाइटेनियम ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है, जो इस ग्रह पर पड़ने वाले लगभग 99% प्रकाश की रोशनी को सोख लेते हैं तथा यह ग्रह अपने ऊपर पड़ने वाले मात्र 1% लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। यह ग्रह जुपिटर ग्रह के साइज का गैस प्लैनेट है, जिसके सरफेस का तापमान 1800 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस रहस्यमय ग्रह की खोज केपलर स्पेसक्राफ्ट के द्वारा 2011 में की गई थी, पर वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि यह ग्रह इतना डार्क क्यों है। कुछ का मानना है कि इसका कारण एक रहस्यमय केमिकल या मैटर है जो कि इस ग्रह पर पाया जाता है। यह ग्रह अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है, अर्थात इसका एक भाग हमेशा इसके तारे के सामने रहता है। आने वाले समय में इस ग्रह के ऊपर और कई रिसर्च किए जाएंगे। अगला है द इवेपोरेटिंग हॉटेस्ट प्लैनेट। दोस्तों, KELT-9b को अब तक का खोजा गया सबसे हॉटेस्ट गैस जाइंट एक्सोप्लैनेट माना जाता है। यह इतना गर्म है कि यह धीरे धीरे वेपोराइज होता जा रहा है। यह ग्रह जुपिटर से लगभग 2 गुना है, जो कि हमारे सौरमंडल से 650 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। यह ग्रह अपने तारे से बेहद ही नजदीक मौजूद है, जिसके कारण कभी कभी इसके सरफेस का तापमान 4300 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अर्थात यह ग्रह हमारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले कुछ तारों से ज्यादा गर्म है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह गैस जाइंट इसी तरह वेपोराइज होता रहा तो आने वाले कुछ सालों में इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यह अपने तारे KELT-9 का चक्कर लगाता है, जो कि हमारे सूर्य की तुलना में 2 गुना अधिक गर्म है। दूसरे ग्रहों की तरह यह प्लैनेट भी अपने तारे से टाइडली लॉक्ड है, अर्थात इसका एक हिस्सा हमेशा इसके तारे की ओर रहता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इन सभी ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे विचित्र एवं अनोखा लगा और क्यों, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज लाता रहूंगा। धन्यवाद।